हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल फार्मेसी स्टडी। माई सेल्फ धर्मेंद्र फार्मासिस्ट, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको फार्मास्यूटिक्स सेकंड के थर्ड चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने पिछले दो चैप्टर के बारे में वीडियो बनाया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, फार्मास्यूटिक्स सेकंड करके मेरी प्लेलिस्ट है। फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पर आपको फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो मिलते हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। फ्रेंड्स, तो पोसोलॉजी आज हम देखेंगे। फ्रेंड्स, पोसोलॉजी चैप्टर है हमारा थर्ड। तो यहाँ पे अगर मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो व्हाट इज पोसोलॉजी, मतलब पोसोलॉजी क्या होती है, फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए। तो पोसोलॉजी का मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। फ्रेंड्स, पोसोलॉजी एक मेडिसिन की ब्रांच होती है। फ्रेंड, इसमें हम डोज के बारे में पढ़ते हैं, मेडिसिन के डोज के बारे में पढ़ते हैं, और मेजरमेंट डोज, मतलब डोज को हम कैसे पता करेंगे कि कितना डोज पेशेंट को देना है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो इम्पोर्टेंट यहाँ से फ्रेंड्स क्या बन जाता है हमारा, व्हाट इज पोसोलॉजी। आगे अगर मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आता है हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डोज या फिर अफेक्टिंग। ठीक है फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंसिंग या फिर अफेक्टिंग डोज, मतलब कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो डोज को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो फर्स्ट आता है वेट, एज, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सेक्स, रेस, टेम्परामेंट, क्लाइमेट, क्लाइमेट फ्रेंड्स। सेवेंथ हमारा क्या है यहाँ पे, एक्यूपेशन, डिजीज, टॉलरेंस, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग, एडिटिव इफेक्ट, सिनर्जिज्म, एंटागोनिज्म। ये जो दो पॉइंट हैं फ्रेंड्स, ये सिनर्जिज्म और एंटागोनिज्म, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये अलग से भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इन्हें तैयार कर लीजिए। मैं यहाँ पे इनके नोट्स भी आपको दे दूंगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स। एक्यूमुलेशन, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कोई आप 10 पॉइंट्स फ्रेंड्स जरूर एग्जाम में तैयार करके जाइए, क्योंकि यहाँ पे हैं तो बहुत, लेकिन अगर आप 10 तैयार कर लेते हैं तो वो सफिशियंट है फ्रेंड्स। आगे अगर हम बात करें फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो कैलकुलेशन ऑफ डोजेज, मतलब डोजेज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम 1, 2, 3, फर्स्ट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ डोजेज ऑन द बेसिस ऑफ एज, एज के आधार पे हम डोज का कैलकुलेशन करते हैं फ्रेंड्स। कैलकुलेशन ऑफ डोजेज ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, सेक्स के आधार पे करते हैं कि मेल है कि वो फीमेल है, और सरफेस एरिया के आधार पे करते हैं। तो इसके तीन फॉर्मूले हैं फ्रेंड्स, वो फॉर्मूले बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो पांच, लेकिन तीन फॉर्मूले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे एक फर्स्ट आ जाता है डिलिंग रूल, इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला है फ्रेंड्स, चाइल्ड्स डोज एज इन ईयर्स बटे 20 इंटू अडल्ट डोज, ये इसका फॉर्मूला है, रूल है। जो सेकंड हमारा यहाँ पे आता है फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट, वो है फ्राइड्स रूल, ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, और है यंग्स रूल, दो और हैं फ्रेंड्स, काबलिंग फार्मूला और बेस्टी डोज फार्मूला। ये फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ये फर्स्ट के थ्री ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद में हमारा आता है फ्रेंड्स वेटनरी डोजेज, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये जानवरों पशुओं में अप्लाई किया जाता है वेटनरी डोजेस, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं फ्रेंड्स, पूछा नहीं जाता है एग्ज़ाम में। तो ये फ्रेंड्स हमारा कुछ इम्पॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज़ और है फ्रेंड्स जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में डिलिंग रूल, फ्राइड्स रूल, व्हाट इज क्लार्क्स रूल, और एक्सप्लेन डोज कैलकुलेशन ऑफ चिल्ड्रेन बाई एज, तो ये कुछ पूछ सकते हैं आप इस टाइप का। लेकिन जितना मैंने आपको बताया है, अगर आप उतना तैयार करके जाते हैं तो एग्ज़ाम में आपके बहुत ही अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।